आज की मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से बैंक अलइनिमा में अपना अकाउंट बहुत ही आसानी के साथ खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में भी जाना नहीं पड़ेगा और आपका एटीएम कार्ड वगैरह ये सब आपके एड्रेस पर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें जाना होगा क्रोम ब्राउज़र में। अब यहाँ आने के बाद आपको टाइप करना है अलइनिमा बैंक ओपन अकाउंट। अब यहाँ पर है ओपन एन अकाउंट, तो इस पर क्लिक कर दें। तो अब यहाँ पर है ओपन एन अकाउंट, तो इस पर भी क्लिक कर दें। अब यहाँ पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप अपना इकामा नंबर डाल दें। इकामा नंबर डालने के बाद यहाँ पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर क्लिक करें और आपका इकामा किस सिटी से बना हुआ है, रियाद, जिद्दा, दमाम, उस सिटी को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप फीमेल हैं या मेल हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर है टाइटल, तो इस पर क्लिक करें और मिस्टर पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाल दें। यहाँ पर आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप अपनी कंट्री डाल दें। आप कितना पढ़ाई किए हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर आप अपना नेम डाल दें। आप अपना नेम फिर से यहाँ पर डाल दें। अब यहाँ से आप अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लें। अब नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको अपने नेशनल एड्रेस का सारा डिटेल्स यहाँ पर डालना है। नेशनल एड्रेस कैसा बनाया जाता है अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप अपना नेशनल एड्रेस बना सकते हैं। आपको जो भी यहाँ पर डालना है ये सारा सब कुछ आपको नेशनल एड्रेस में मिल जाएगा। बस आपको वहाँ पर देखना है और यहाँ पर डाल देना है। नेशनल एड्रेस का डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आपको अपनी कंट्री का सारा एड्रेस डाल देना है, जैसे कि पीओ बॉक्स कोड, पोस्टल कोड, ये सब आपको डाल देना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दें। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर क्लिक करें और आप गवर्नमेंट का काम करते हैं या आप प्राइवेट काम करते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप अपना नेम डाल दें। इस जगह पर आप कब से काम कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर डाल दें। अब यहाँ पर क्लिक करें और आपके इकामे के ऊपर कौन सा जॉब लिखा हुआ है, जैसे कि महीना जिसको अरबी में बोलते हैं, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर है जॉब टाइटल, आप क्या काम करते हैं उसको आप यहाँ पर डाल दें। अब यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर है सेविंग, तो इस पर क्लिक कर दें। फिर उसके बाद यहाँ प्लस का निशान है, इस पर भी क्लिक करें
और आप एक महीने में कितना कमाते हैं यहाँ पर डाल दें। फिर उसके बाद यहाँ पर भी क्लिक करें और यहाँ पर है मंथली, तो इस पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर भी क्लिक करें और आप अपनी सैलरी कैसे लेते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो मैं कैश लेता हूँ इसलिए मैं कैश पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर है पर्सनल ट्रांसफ़र, तो इस पर क्लिक कर दें। अब नो पर क्लिक कर दें, फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको 11 डिजिट का अलइनमा का आईडी एक बना लेना है और इस आईडी में आप अपना मोबाइल नंबर या फिर इकामा नंबर या फिर आप अपने मर्जी से जो आपको अच्छा लगे उसको आप रख सकते हैं, लेकिन ये अलइनमा का आईडी 11 डिजिट का होना चाहिए। यहाँ पर है अग्री, तो इस पर क्लिक कर दें और ये सारे पर नो नो कर दें। यहाँ एक्सेप्ट है तो इस पर क्लिक करें, फिर उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर दें। आप इस पर क्लिक करके इसे इंग्लिश में कर लें। यह है इंग्लिश, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में ये सारा सिस्टम आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपने अफसर अकाउंट का यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड और इस कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है। ये सब कुछ डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, तो वही ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो अब यहाँ पर आपको फाइल नंबर, अलइनमा का आईडी, अकाउंट नंबर, आईबेल नंबर, आपको यहाँ पर ये सब देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। अगर आपको इसका प्रिंट निकालना है तो यहाँ पर आपको प्रिंट पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। प्रिंट निकालने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको यूज़र नेम डाल देना है और यूज़र नेम कम से कम 6 करेक्टर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 16 करेक्टर होना चाहिए। आपका जो भी नाम है आप अपने नेम का जो पहला करेक्टर है उसको आप बड़ा रखिए, उसके बाद सब छोटा रखिए, यानी कि पहले कैपिटल रहेगा फिर स्मॉल रहेगा, फिर उसके बाद आपको नंबर भी डाल देना है। यूज़र नेम डालने के बाद यहाँ पर ये दोनों में पासवर्ड भी डाल दें। पासवर्ड में आप अपना नेम या फिर और कुछ आपके जो भी समझ में आता है जो आपको अच्छा लगे उसको आप डाल सकते हैं, लेकिन जो पहला करेक्टर है वो कैपिटल होना चाहिए, फिर उसके बाद स्मॉल भी होना चाहिए, फिर एट द रेट या हैच जैसे कि कुछ इस तरह का पासवर्ड होना चाहिए। जो पासवर्ड यहाँ पर डाले हैं सेम वही पासवर्ड को यहाँ पर भी डाल दें। ये दोनों पासवर्ड डालने के बाद नीचे आ जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो वही ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर दें।
और अगर आपके नंबर पर ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ पर है रिसेंट एक्टिवेशन कोड, इस पर क्लिक कर देंगे तो ओटीपी आ जाएगा। तो चलिए हम कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर है डिलीवर टू माय एड्रेस, आप इस पर क्लिक कर दें। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका एटीएम कार्ड आपके एड्रेस पर डायरेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना सारा एड्रेस देखने को मिल जाएगा, इसी एड्रेस पर आपका एटीएम कार्ड भेजा जाएगा। फिर यहाँ पर है इश्यू कार्ड, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ये बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है, अब आपके एड्रेस पर एटीएम कार्ड 2 से 4 दिन में आ जाएगा। और यहाँ पर है प्रिंट, आप इस पर क्लिक करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही आप बहुत ही आसानी के साथ अलइनमा बैंक में घर बैठे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।